नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार कुंवर जी ट्रैवल से आज आपको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति हमारी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। भारत एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में अपनी एक पहचान बनाए रखता है। तो आइए मैं आपको एक ऐसे ही धर्मस्थल की यात्रा करवाता हूँ जहाँ हमने यात्रा स्टार्ट करने से पहले आशीर्वाद लेने आए हैं। ये दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पे है। इस धर्मस्थल का नाम है मथुरा। मथुरा जो है किशन जी की नगरी है। यहाँ किशन जी ने जन्म लिया था। दोस्तों, मथुरा की पहचान वृंदावन के बगैर अधूरी है। ये हम वृंदावन की यात्रा अपनी स्टार्ट करते हैं। हर दर पर माथा टेक दिया, एक तेरी झलक को तेरे शहर में गलियां गलियां भटके हम तरस गए तेरी हां सुनने। वृंदा का दूसरा नाम तुलसी है, यानी कि तुलसी का वन। वृंदावन को तुलसी का वन भी कहते हैं। और ये यहाँ के स्वामी जी जो हैं वो हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी। आइए मैं आपको बांके बिहारी जी के मंदिर की और कुछ बातें बताता हूँ। बताना चाहें तो इनके बहुत चमत्कार हैं जो शायद इस वीडियो में बताना बहुत संभव नहीं है। मैं लेकिन कुछ बातें बताता हूँ कि क्यों बांके बिहारी जी के हाथ में बांसुरी नहीं रखते, और क्यों वहाँ पे मंदिर में घंटे नहीं हैं, और क्यों वहाँ पे लोग ताली नहीं बजाते, और क्यों वहाँ पर जो है कि इत्र सेवा होती है, और ये मंदिर सब जगह के मंदिर सुबह जल्दी खुल जाते हैं, ये मंदिर 9 बजे क्यों खुलता है। आइए जानते हैं वहाँ के गोस्वामी जी से कि ठाकुर जी के मंदिर के बारे में। यहाँ एक विद्वान है यमुना जी के तट के पास, विद्वान वहाँ पे जो है ठाकुर जी स्वामी हरदास जी वहाँ पे आए थे संन्यास बैराग लेके। तो उन्होंने वहाँ घोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद जो है बिहारी जी महाराज को उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने एक भजन गाया था, मायरी सहजोरी प्रकट हुई गौर अग्नि श्याम की, देख छवि बार बार जो है मैं ले जाऊँ शाम को। तो बिहारी स्वामी जी महाराज ने ये प्रकट करके जो है ये गाना जो है ये भजन के प्रताप से प्रकट किया था। यहाँ पर बाल रूप की किशन जी की सेवा होती है, इस वजह से यहाँ बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती क्योंकि उनके हाथ में दर्द हो जाएगा इस वजह से। और दूसरा, ये पहले निधिवन में रहते थे। पुर के एक राजा ने यहाँ पर ठाकुर जी का जहाँ मंदिर है अब बांके बिहारी जी का, वो उसका बगीचा था, उन्होंने ये बगीचा जो है वो दान में दिया था मंदिर के लिए। बाद में ये मंदिर बना है और इस मंदिर में बाल रूप की सेवा होती है, इसलिए यहाँ पर सुबह घंटी नहीं बजाई जाती और सुबह जल्दी नहीं खोला जाता। जय श्री राधे श्याम। हर दर पर माथा टेक दिया, एक तेरी झलक को तेरे शहर में गलियां गलियां भटके हम तरस गए तेरी हां सुनने। ये कैसे मोड़ पे अटके हम, तेरे प्यार में पागल हम हैं, पागल तेरे प्यार में हम हैं, तेरे प्यार में पागल हम हैं, पागल तेरे प्यार में हम हैं। पागल तो होंगे बहुत पर हम सा पागल ना